चैनल। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं गांव, तो हम लोग हो गए चुके, हम लोग मतलब यहाँ पर मैं सब अपने कपड़े वपड़े पैक कर रही थी क्योंकि हमें गांव जाना था और हमारी शाम की ट्रेन थी। कितने बजे की हमारी ट्रेन थी? 5:15 की ट्रेन थी। तो हमें सब पैक वैक करना था, कियान का खाना, हमारा खाना सब मैंने रेडी कर लिया था। सुबह 12 बजे तक सब कुछ हो गया था और ये सब पैकिंग भी करके रख दी थी एक साइड, कि हम कुछ भूले ना, सब कुछ साइड में करके रख देते हैं। वो जो दो टेंट हाउस थे वो भी लेके जा रहे थे हम लोग, क्योंकि कियान उधर खेलने के लिए और मेरी एक बहन सिस्टर की जो लड़की है वो भी है गांव में, तो वो भी खेलने के लिए। और यहाँ पर मैंने चूड़ी वूड़ी सब पहन लिए एकदम मस्त से रेडी होके, कियान का खाना पीना पैक करके। फिर उसके बाद मेरी मम्मी भी आ गई थी मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे तो घर पर सब बंद बंद करके फिर मेरी मम्मी जाने वाली थी, तो वो भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। फिर हम लोग सब निकल गए, मेरे चाचा आ गए थे लेने के लिए। मैं यहाँ पर यही बोल रही थी कि सब सामान ले लो, बाहर रख लो करने के बाद। फिर मेरी मम्मी आ गई थी, मम्मी नहीं मेरे चाचा आ गए थे नीचे हमें पिक करने के लिए। फिर हम लोग चल रहे थे, कियान को बहुत मस्ती आ रही थी। मेरी बहन भी आई थी छोटी वाली प्रिया, तो वो भी आके प्रिया कियान के साथ थोड़ी मस्ती वस्ती कर रही थी, उसको बाय बाय बोल के। फिर हमने सब सामान बाहर निकाला घर से, फिर लॉक वॉक करके हम लोग निकल गए थे नीचे। क्या 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 हुआ उस दिन आपको मैं क्या ही बताऊँ। देखो लास्ट में चलते रहो फिर मैं बताऊँगी आपको क्या हुआ हमारे साथ जिस दिन हमारी ट्रेन थी। मतलब इंडियन रेलवेज इतना लापरवाह, या फिर क्या ही बोलो, इतना छोड़ो क्या ही बताऊँ मैं, अभी बाद में बताती हूँ आपको। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए, चाचा आ गए थे हमें पिक करने के लिए नीचे। फिर हम लोग चले गए थे पापा से भी मिलने के लिए, पापा को बाय बाय करने के लिए, क्योंकि पापा ने कुछ लेके आए थे नाश्ता पानी और जो गांव लेके जाना था वो शूट नहीं कर पाई मैं, तो वो लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए। फिर ये कियान गाड़ी में बैठते पता नहीं उसको क्या हो गया था, थोड़े देर तक के लिए ही वो शांत था। फिर थोड़े देर जब हम लोग आगे बढ़े फिर उसकी जो मस्ती है वो चालू हो गई। और ये कितना अच्छा लगता है ना जब हम लोग एयरपोर्ट रोड से जाते हैं, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये जो स्टैचू और जो किला बनाया हुआ है वो कितना सही लगता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे निकलने के बाद हमें इतना ट्रैफिक मिला कि हमें 2 घंटे लग गए ट्रैफिक में ही। बाई बहुत मुश्किल से हम लोग स्टेशन पहुँचे थे। फिर काश सोचा होता कि काश हम लोग और ही ट्रैफिक में फंस जाते तो बहुत ही अच्छा होता। स्टेशन जाने के बाद हमें पता चला कि जो हमारी जो ट्रेन जो 5:15 की है वो है लेट, और वो कितने बजे आने वाली थी, 10 o'clock इन द नाइट। हाँ 10 बजे आने वाली थी ट्रेन। अरे हम भी पागल चेक भी नहीं किया था कि अगर हम लोग चेक करके निकलते तो भी सही होता, पर क्या करें। उधर जाने के बाद पता चला कि ट्रेन बहुत लेट है, 10 बजे आने वाली है। तो हम लोग जाके वेटिंग रूम में बैठ गए थे, क्या करें वापस जाने में ही 2 घंटे लग जाते, वापस आने में 2 घंटे लग जाते, इसलिए हम लोग ने सोचा कि वेटिंग रूम में ही बैठ जाते हैं। पर वेटिंग रूम भी इतना भरा पड़ा था कि मतलब इधर सांस लेने को जगह नहीं था, इतनी पब्लिक भर चुकी थी, सब लोग की ट्रेन लेट थी। तो हम लोग फिर वेटिंग रूम से हम लोग चले गए थे प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म पर ही बैठे थोड़े साइड में। तो ट्रेन आ गई थी 10 बजे, तो मैंने तब कुछ शूट नहीं किया, फटाफट हम लोग ट्रेन में चढ़े। और ट्रेन में चढ़ने के बाद हमारी ट्रेन LTT से 2 बजे रात को चली, मतलब काफ़ी लेट, इतना लेट कोई सोच भी नहीं सकता, इतना लेट थी वो ट्रेन। तो चलो जैसे तैसे हम लोग 2 बजे निकले वहाँ से, और ट्रेन इतनी प्लीज़ कोई भी इस ट्रेन में स्पेशल ट्रेन में कभी भी कोई अपनी टिकट बुक ना करे, वो कम से कम हमेशा ही लेट होती है वो ट्रेन। तो बस यही था। तो फिर हम लोग सुबह उठे, फिर नाश्ता पानी ये सब का किया, हम लोग बहुत थक गए थे, मतलब हद ही नहीं था। वो ट्रेन जिस दिन पहुंचने वाली थी, हम लोग संडे को पहुंचने वाले थे 3 बजे, हम लोग पहुँचे हैं नेक्स्ट डे मंडे को सुबह 8 बजे कानपुर। मतलब बच्चा बेचारा वो भी परेशान, हम लोग ने इसलिए ट्रेन ये टिकट बुक की थी दोपहर की थी, तो ये हमने सोचा था हम दोपहर को निकलेंगे तो एक रात कियान सो जाएगा तो सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे। पर इस ट्रेन ने तो पूरा ही उल्टा सिस्टम कर दिया, बहुत परेशान बेचारा कियान भी हो गया। जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए कानपुर। ये सुबह का कुछ ऐसा सीन था, बहुत अच्छा सीन था। ट्रेन ऐसे रेंगते हुए जा रही थी, कानपुर पहुँचते पहुँचते वो मतलब बैलगाड़ी हो गई थी। तो फिर मैं और कियान भी अंदर बैठे बैठे बहुत बोर परेशान हो गया था, तो उसको फिर मैं बाहर ले आई थोड़ा देर कि वो भी देखे थोड़ा मस्त, उसको भी अच्छा लगे।
तो हम लोग दोनों ही बैठ के देख रहे थे इधर उधर क्या है। और मैं इधर यही बोल रही थी कि ये ट्रेन कब जाएगी, एकदम रेंगते रेंगते चल रही है। तो जैसे तैसे उसने हमें एट लास्ट पहुँचा ही दिया अपने कानपुर स्टेशन पर। तो हम लोग उतर गए और फिर हमारे पापा आ गए थे हमें लेने के लिए कानपुर स्टेशन। तो सब सामान वामान उतार के हम लोग चले गए। तो उसके बाद हम लोग जब ऊपर प्लेटफॉर्म पर, जो ऊपर स्काई वॉक है उस पर पहुँचे, तो ये एक आदमी मिल गया था। वो कियान को बोल रहा था बंदर के पास चलोगे, और ये महाशय उनके साथ निकल भी जा रहा था। क्या बोलने का कियान के बारे में। तो उसके बाद हम लोग सब गाड़ी में बैठकर चाय वाय नाश्ता पानी किए। उसके बाद हम लोग निकल गए हमारे गाँव जाने के लिए। बहुत जैसे तैसे चलो हम पहुँच ही गए गाँव पर। प्लीज़ जो भी हो, इस जो स्पेशल ट्रेन है उसमें टिकट कभी ना ही बुक करे तो बहुत ही अच्छा है सभी के लिए। तो बस कियान की इधर मस्ती चालू। ये नाइसा है, कियान की सिस्टर है, और उनके बाजू में मेरी मम्मी बैठी हुई है, आगे पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, बाजू में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। बस इसी तरह हम लोग जैसे तैसे गांव पहुंच गए। गांव में भी बहुत मज़ा आया, उसमें आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता चलेगा कि हम लोग ने क्या क्या किया। 7 दिन हमारे कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला गांव में। दादी, ये कियान की दादी बहुत खुश हो गई थी कियान को देखकर। काफ़ी दिन हम लोग कियान के मुंडन में गए थे, उसके बाद अभी गए थे। बस फिर हम लोग घर पहुंचे और आते ही कियान इस झूले पर बैठ गया जो नाइसा ने बनाया था। बहुत ही मस्त झूला था। आते जैसे घुसा घर में और चालू हो गई उसकी मस्ती, ये झूले पर झूलने लगा देखो कैसे। फिर हमने खाना पीना खाया, आराम किया थोड़ा देर। उसके बाद दोपहर को मेरी दीदी मौसी ये सब बैठकर ना ये बजाने लग गए थे। ये दीदी सीख रही थी ढोलक कैसे बजाते, और मौसी उनको सिखा रही थी कि इस तरह से बजाते हैं। तो इसी तरह हमारा पूरा दोपहर भी निकल गए, पर टाइम इतना धीरे जा रहा था क्या ही बताओ, बहुत स्लो जा रहा था। दोपहर का टाइम तो निकल ही ना, एक तो गाँव में लाइट आती है लाइट जाती है यही चलता रहता था दोपहर को। पर घर में भी काफ़ी थी, मतलब 41 डिग्री 40 डिग्रीज इतना ही जा रहा था लाइट। और बाद में शैल ने भी ले लिया, ये भी ट्राई कर रहे थे इस तरह से बजाने की, मतलब सब लोग ने अपना हाथ साफ कर लिया होगा इस पर, देखो किस तरह से बजा रहे थे। शाम होते होते फिर हमने कूलर में इन्होंने पानी भी भर दिया था, और बाहर पूरा गर्म हीट मार रहा था, तो पूरे आंगन में पानी स्प्रेड कर दिया ताकि वो जो थोड़ा सा ठंडापन मिले, तो वही सब हमने किया। शाम का टाइम इसी तरह से भी निकल गया हमारा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे हमारा तो बहुत ही अच्छा गया। ये कियान के दादा कियान को लेकर घूम रहे हैं, और बस, और ये रहा सनसेट। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे पानी पूरी खाने के लिए, भूख लग रही थी, शाम को कुछ अच्छा खाना था। तो फिर हम लोग सब निकल गए थे, मैं मौसी कियान नाइसा दीदी हम लोग सब निकल गए पानी पूरी खाने के लिए। और इसी तरह से हमारा दिन एंड हो गया था। आते वक्त फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो आपको ये हम कहाँ गए थे वो देखने मिलेगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।